अमित शाह गुजरात के सीएम नहीं बनेंगे, नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान एक दो दिन में होगा। आज सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ये भी साफ किया गया कि अमित शाह को गुजरात नहीं भेजा जाएगा। अमित शाह जी का सवाल है ना, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पार्टी चाहते है वो राष्ट्रीय स्तर पर रहे, पार्टी का नेतृत्व करते रहे। संसदीय दल ने अमित शाह को मुख्यमंत्री चुनने के लिए अधिकृत किया है। ऑब्जर्वर के तौर पर नितिन गडकरी और सरोज पांडे अमित शाह की मदद करेंगे। गुजरात में नए मुख्यमंत्री की रेस में विजय रूपानी का नाम सबसे आगे है। विजय रूपानी गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष होने के साथ साथ गुजरात में कैबिनेट मंत्री भी हैं। गुजरात सरकार में मंत्री नितिन पटेल भी सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। मोदी सरकार में राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी सीएम की रेस में शामिल हैं। आनंदीबेन पटेल गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहरी से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत स्थिर है, आज उन्हें इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दोपहर के वक्त सोनिया गांधी को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल से गंगाराम अस्पताल ले जाया गया। सोनिया पहले भी गंगाराम अस्पताल में इलाज करवाती रही हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि शी इज टोटली स्टेबल। तेज बुखार के बाद मंगलवार रात सोनिया को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अस्पताल जाकर सोनिया का हाल जाना। अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर समेत कांग्रेस के कई नेता भी अस्पताल पहुंचे। मंगलवार को वाराणसी में रोड शो के दौरान सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई थी। खराब तबीयत की वजह से सोनिया 8 किलोमीटर लंबा रोड शो पूरा नहीं कर पाई। वाराणसी में इलाज के बाद सोनिया को चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली लाया गया था। सोनिया गांधी की तबीयत पिछले 3-4 दिन से खराब थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वाराणसी में रोड शो करने का फैसला लिया था।